भरोसा? परेशान हो क्या? अम्मी, मलिक को मैंने कॉल की तो पहले फोन बिजी कर दिया और दोबारा फोन किया तो फोन बंद आ रहा है। इतनी सी बात, ऑफ नहीं किया, हो सकता है मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो, थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल कर लेना। इतनी सी बात पे परेशान हो गई, मुझे भी डरा दिया। और ये तुमने किचन क्यों समेटा? मैं समेट लेती ना थोड़ी देर में। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? 23 साल गुजारे मैंने इस घर में और आपने मुझे 23 दिन में पराया कर दिया। ऐसी बात नहीं है बेटियां, अपने घर में शादाबाद रहें ना तो वालदैन के दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे घर पे आबाद रखे, खुश रहो तुम। अरे शबनम भाभी, आप, अरे आप अचानक, एक आपका गोल्ड का मेडल बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बैठे। अरूसा कहाँ है? बुलाओ से। अपना बदो, देखो शबनम भाभी आई है। अरे भाभी जान, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, बैठिए ना। अस्सलाम वालेकुम मामी। मैं तुम दोनों से सिर्फ एक सवाल करने आई, जब हमारे खिलाफ विरासत के हिस्से के बारे में तुमने कोर्ट में केस दायर किया था, अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया था? भाभी जान, ऐसी क्या बात हो गई? आए बैठ के बात करते। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई आपदा, तुम दोनों को जरा शर्म दिलाने के लिए आई। दौलत की लालच में तुम्हें ये भी फिक्र नहीं हुई कि तुम्हारी बेटी का घर उजड़ जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? बताओ मुझे, तुम लोगों में गैरत नाम की जरा भी चीज है कि नहीं? नहीं नहीं मामी, आपको गलत फहमी हुई है, वो केस तो पुराना था। पुराना केस, पढ़ो इसे। पढ़ी लिखी हो ना, गौर से पढ़। 4-5 दिन पहले ये केस दायर हुआ है। नामुमकिन, मैंने तो कोई केस ही नहीं किया। ये केस मैंने दायर किया। साथ ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मतलब? अरूसा उनकी बहू है तो क्या हम अपना हिस्सा नहीं लेंगे? तुम्हारी जान, अपना हिस्सा तो लेके रहेंगे। कह दिया जो कहना था, अब मेरा जवाब भी सुन लो। 2 दिन के अंदर केस वापस लो। मुझे इजाजत नामे पे आपदा का दस्तखत चाहिए कि अब आइंदा वो विरासत में हिस्सा कभी नहीं मांगेगी, वरना अरूसा जिंदगी भर यहीं रहेगी। केस तो मैं वापस नहीं लूंगा मुमानी जान, और अपने विरासत के हिस्से से भी पीछे नहीं हटूंगा। अपना हक तो लेके रहेंगे। साथ ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम अपना हिस्सा कैसे ले। भाभी आप मेरी बात सुने। आपदा, अगर तुम अपनी बेटी का घर बचाना चाहती हो तो जल्द से जल्द इस मसले को हल करो, वरना अरूसा जिंदगी भर यही बैठी रहेगी तुम्हारे घर में। मम्मी, मैं आपके साथ घर चलती हूँ, प्लीज। मैं तुम्हें लेने नहीं आई, और जब तक ये मसला हल नहीं होता, वलीद भी तुम्हें लेने नहीं आएगा। हाँ ठीक है ममानी जान, जाएं, आप मत लेके जाएं, हम भी अपना हिस्सा लेके रहेंगे। भाई यूनियन लीडर शहजाद, तुमने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे किया शहजाद? हाँ नहीं पूछा आपसे, इजाजत दे देती क्या आप? कभी नहीं देती, इसलिए नहीं पूछा। जिस पैसे पर तुम इतनी नजर जमाए बैठे हो ना, कि मेरे बाप की जायदाद से मेरा हिस्सा है, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अरे भाई, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, चाहे मेरी माँ के हो या मेरी माँ के बाप के हो, बस। अपनी बहन का ख्याल भी नहीं है? अरे बेगैरत हो तुम। हाँ हाँ नहीं आया ख्याल, मेरी बहनों ने मेरे बारे में सोचा है कभी जो मैं सोचूंगा?